नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड में एक फ्लोर प्लान आप कैसे बना सकते हैं, कंप्लीट प्लान फर्नीचर टेक्सटिंग डोर विंडो के साथ कैसे कैसे आप बना सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको उन सब चीजों के बारे में जिसमें आप अच्छे से एक फ्लोर प्लान को बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे वॉल बनाएंगे, वॉल के बाद हम यहाँ पे डोर बनाएंगे, डोर के बाद हम विंडोज यहाँ पे लगाएंगे, विंडोज के बाद हम स्टेयर्स यहाँ पे पुट करेंगे, स्टेयर के बाद हम हैचिंग करेंगे वॉल्स में, हैचिंग के बाद हम यहाँ पे छज्जा बनाएंगे, छज्जे के बाद हम यहाँ पे कॉलम्स लगाएंगे, देन हम करेंगे फर्नीचर पे वर्क, देन उसके बाद हम करेंगे डायमेंशनिंग, और उसके बाद हम करेंगे कंप्लीट टेक्सचरिंग का, जो आपका टेक्सटिंग का काम है। तो ये है मेरा प्लान जिसको मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इसको मैं अगर आपको अच्छे से दिखाऊं यहाँ पे, तो ये कंप्लीट यहाँ पे बना हुआ है। 9 इंचेस की आपकी वॉल का साइज है, टॉयलेट यहाँ पे गिवन है, बेडरूम यहाँ पे गिवन है, किचन यहाँ पे गिवन है, विंडोज बनी हुई है, उसका छज्जा यहाँ पे बना हुआ है, स्टेयर्स है, फर्नीचर लगे हुए हैं, लिविंग रूम, डाइनिंग, बेडरूम, ड्राइंग रूम, सिट आउट है, पोर्च है, स्टेयर है, इन सब चीजों को अब हम बनाएंगे। और ये स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि किसका साइज आपको क्या रखना है। तो ये इसको हम स्टार्टिंग से बनाएंगे एक न्यू विंडो में। तो सबसे पहले न्यू विंडो में जाके हम क्रिएट करेंगे लेयर, जो इतनी लेयर हमने क्रिएट की हुई है, छज्जे, कॉलम, डेफ पॉइंट की जो ऑलरेडी होती है, डोर, फर्नीचर, हैच, स्टेयर, तो इन सब चीजों की लेयर हम बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं न्यू ड्रॉइंग में। ये मेरी एक न्यू ड्रॉइंग है, फ्रेश ड्रॉइंग आप ओपन करोगे, मैं स्टार्टिंग से आप बताऊंगा कि कैसे एक फ्रेश ड्राइंग ओपन करके आप एक प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने एक फ्रेश ड्राइंग यहाँ पे ओपन की। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट को सेट करने की। सबसे पहले हम यूनिट को सेट करेंगे। यूनिट को सेट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले ये डायनेमिक मोड ऑन कर देता हूँ, ताकि अगर मैं कोई भी कमांड लिखूँ तो आपका कमांड यहीं पे आए कर्सर के साथ। UN एंटर करेंगे सबसे पहले, तो आप जाएंगे ड्राइंग यूनिट पे, यहाँ पे आप क्लिक करके फिट इंचेस में हम काम करेंगे। तो हम यहाँ पे आर्किटेक्चुरल या इंजीनियरिंग रख लेते हैं। डिफरेंसेस आपको ऑलरेडी पता है क्या है, नहीं पता है तो आप मेरे ऑटोकैड की स्टार्टिंग वीडियो में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंसेस का पता चलेगा। तो हम कुछ भी रख सकते हैं, अभी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम आर्किटेक्चुरल ही रखेंगे। इसको प्रिसाइज हम 1/4 कर लेंगे, और यहाँ से हम स्मॉल यूनिट जो इंचीज है हम वो चूज करेंगे, देन ओके। ओके करने के बाद हम करेंगे डी एंटर फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, हम इसको स्टैंडर्ड चूज करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, ये हम डायमेंशन के लिए करेंगे। प्राइमरी यूनिट इसको भी हम यहाँ पे आर्किटेक्चरल कर लेंगे, इंजीनियरिंग भी आप चूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे किया ओके, सेट करेंट एंड क्लॉज, आपकी डायमेंशन सेट, अब आप काम करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्थो को ऑन करेंगे और हम करेंगे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे। एक्चुअली मैं इस प्लान को जो बनाऊंगा, मैं एक कॉर्नर पॉइंट को यहाँ से पिक कर लूंगा, और इसी कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं इसका ऑफसेट लेके ये सब चीजें यहाँ पे बनाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं फर्नीचर को यहाँ पे से एक बार ऑफ कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। मैं यहाँ पे डोर को भी अभी ऑफ कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं विंडो को भी अभी ऑफ कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ताकि आपको सिर्फ यहाँ पे यही चीजें नजर आए। अब मान लो मेरे को ये बनाना है, सबसे पहले तो मैं ये वाला कॉर्नर लूंगा, तो उसके लिए मैं करूंगा XL एंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन में लूंगा, एक लाइन लगा दूंगा मैं हॉरिजॉन्टल, एक लगा दूंगा वर्टिकल। एक ये एक्स लाइन जो होती है ये आपकी एंडलेस होती है, इन दोनों साइड से कोई भी एंड नहीं होता। और इसका मैं ऑफसेट लूंगा O एंटर फॉर ऑफसेट, मैं ऑफसेट लूंगा यहाँ पे कितना, 9 इंचीज। अब 9 इंचीज के लिए आप एंटर के बगल में जो आपका बटन होता है, शिफ्ट प्रेस करके आप प्रेस करेंगे तो इंचीज का साइन आएगा, और आप एंटर करें, आप इस पे क्लिक करें और इधर 9 इंचीज लें। कभी कभी कैसा होगा, आपने बिल्कुल जूम आउट किया होगा तो आपको लगेगा कि आपका आया ही नहीं, तो उसके लिए आप जूम इन कर सकते हो। और कभी कभी क्या होगा कि इतनी दूर आएगा, तो कोई बात नहीं, आप जूम आउट कर लें ताकि आपके पेज एक बार सेट हो जाए। और यहां से आप क्लिक करके ये वाला आपने ले लिया, आपने इसका ऑफसेट लिया, इसका ऑफसेट लिया। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेसिकली कभी कभी, कि एक एक बॉक्स बना के करते हैं और फिर इसका ऑफसेट लेते हैं, फिर बॉक्स बना के करते हैं। देखो, सबका अपना अपना करने का तरीका होता है।
बट आप जो वे मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से चूज कर सकते हैं, बहुत इजी है, आपको बनाने में भी मजा आएगा और आपका अच्छे से बन भी जाएगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे 5 फिट बाई 6 फिट का टॉयलेट है। जो फर्स्ट लिखा होता है यहाँ पे वो होता है हॉरिजॉन्टल लेंथ, और जो नेक्स्ट लिखा होता है वो होता है वर्टिकल वाली। तो जो फर्स्ट फर्स्ट लिखा है वो हॉरिजॉन्टल वाला है। तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं आपको यहाँ पे डायमेंशंस भी दिखाऊं तो आप यहाँ से क्विक डायमेंशंस भी मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे क्विक डायमेंशंस, अगर आप यहाँ से मेजर करेंगे क्विक डायमेंशन, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे 5 बाई 6 का यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे 5 बाई 6 का यहाँ पे है। तो मेरे को एक ऑफसेट लेना है यहाँ पे 5 फिट का, फिर ऑफसेट लेना है 9 इंच का, फिर ऑफसेट लेना है 5 फिट का, फिर ऑफसेट लेना है 9 इंच का। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऑफसेट लिया मैंने 5 फिट। फिट के लिए मैं एक बार प्रेस करूंगा विदाउट शिफ्ट बटन, तो आपका फिट का साइन आ जाएगा जो आपका कीबोर्ड में होता है बटन। उसके बाद करें एंटर, इस पे क्लिक करें और ये क्लिक करें। बार बार आपको ऑफसेट कमांड से बाहर आना है, एस्केप करके जैसे एग्जिट है यहाँ पे, और उसके बाद दोबारा से ऑफसेट कमांड लेने के लिए आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, जो स्पेस बटन होता है, डायरेक्टली आपका ऑफसेट कमांड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा आपको प्रोवाइड करना है कि कितने का ऑफसेट चाहिए, मुझे चाहिए 9 इंच का। अब आपको ने जो आपने यू एन एंटर किया था यहाँ पे ऑलरेडी इंचीज चूज किया हुआ है, अगर आप ऑफसेट लेके डायरेक्टली 9 करके एंटर भी करेंगे तो आपका 9 इंच का ही ऑफसेट आएगा। क्लियर है? उसके बाद ऑफसेट फिर मेरे को 5 फिट का लेना है, तो यहाँ से मैंने 5 फिट का लिया, फिर मेरे को 9 इंच का लेना है, फिर मैंने यहाँ से 9 इंच का लिया। क्लियर? दोबारा चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद है 11 फिट का ऑफसेट जो यहाँ पे 11 गिवन है, और उसके बाद है आपका 9 इंच का, फिर गिवन है 11 फिट का, और फिर गिवन है 9 इंच का। तो मैं दोबारा चलता हूँ यहाँ पे, ऑफसेट लिया 11 फिट, ऑफसेट लिया 9 इंच, फिर ऑफसेट 11 फिट, फिर ऑफसेट 9 इंच। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ऑफसेट लेके चलोगे, वहां पे एंड हो गया आपका ऑफसेट का। अब आप वर्टिकल वाले ऑफसेट ले सकते हो, आप सारे भी एक साथ ले सकते हो, वरना एक दो बना के आप फिर उसके फर्दर अगली चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं ये वाला ऑफसेट लेता हूँ, ये है 6 फिट का, फिर 9 इंच का। मैं एक साइड का पहले ऑफसेट लेता हूँ यहाँ पे 6 फिट, फिर 9 इंच, फिर आपका यहाँ पे 10 फिट जो सेकेंड वाला है, ये आपका 10 फिट का ऑफसेट है। तो मैं यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट 6 फिट, देन 9 इंच। चलो मैं इतने ही लेके पहले थोड़ा सा सफाई कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। TR डबल एंटर करेंगे, ये नहीं चाहिए ये हटा दो, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। उसके बाद इनको हटाने के लिए आप फिलेट कमांड का भी यूज कर सकते हैं इन दोनों को हटाने के लिए, वरना TR डबल एंटर आप इसे ट्रिम कर सकते हो TR डबल एंटर से। ये आपने ट्रिम किया, इसको ऐसे ट्रिम कर सकते हो, यहाँ से कुछ ऐसे ट्रिम कर सकते हो, उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसे ट्रिम, यहाँ पे है ट्रिम, इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो गिवन है एक डोर गिवन है डी साइज का, डी साइज है 2 फिट 6 इंच, और एक साइज यहाँ पे गिवन है, ठीक है? तो ये मेरे को बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को स्पेस चाहिए, एल एंटर यहाँ पे क्लिक किया, ऑर्थो ऑन करके मैं यहाँ पे आता हूँ 2 फिट 6 इंचेस, और उसके बाद TR डबल एंटर, ये आप ट्रिम कर सकते हैं, ये ट्रिम कर सकते हैं, और इसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है TR डबल एंटर, मैं इसको अब यहाँ से डिलीट करता हूँ, उसके बाद इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे है तो एल एंटर किया, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, और इसका ऑफसेट लेता हूँ 2 फिट 6 इंचेस का, कुछ ऐसे TR डबल एंटर, और ये मैंने यहाँ से, इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, और इन दोनों को सिलेक्ट करके जे एंटर करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने इतना पोर्शन किया ताकि आपको यहाँ पे टॉयलेट इजली नजर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन चेक करना चाहूँ तो यहाँ से आप डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं, ये आपका 5 फिट है, और डायमेंशन के साइज को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो इससे पहले जो मैं करना भूल गया हूँ वो है आपको सेट करना है सबसे पहले लेयर्स, ठीक है? ताकि मैं ये वॉल्स बना रहा हूँ वो सारी की सारी वॉल लेयर में ही आए,
या फिर आप बनाने के बाद भी डायरेक्टली उसको एज ए वॉल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कभी भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो मैं अभी बनाता हूं, तो यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ। लेयर बनाने के लिए मैं एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले बना देता हूँ वॉल। वॉल लेयर मैंने यहाँ पे बनाई, वॉल का मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ व्हाइट ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं बना देता हूँ डोर, डोर का कलर मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। उसके बाद बना देता हूँ विंडो, विंडो का कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद बना देता हूँ विंडो के लिए है, टेक्स्ट के लिए है, ये क्लिक किया यहाँ पे, टेक्स्ट के लिए मैं कोई भी कलर यहाँ से चूज कर देता हूँ। मान लो आपको डायमेंशन करना है तो आप डायमेंशन के लिए अलग से कलर डाल सकते हैं। उसके बाद आप फर्नीचर, फर्नीचर के लिए अलग से आप कलर डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं छज्जा, छज्जे के लिए आप अलग से कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और छज्जे में अगर आपको चाहिए कि मेरे को लाइन टाइप चाहिए, तो आप यहाँ से कंटिन्यूस लाइन को क्लिक करें, लोड पे क्लिक करें, कोई भी एक लाइन आप यहाँ से डैश लाइन चूज कर सकते हैं, तो वो छज्जे के लिए आपकी डैश लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है यहाँ पे? छज्जा कॉलम के लिए मेरे को चाहिए, हैचिंग के लिए चाहिए, स्टेयर के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉलम, कॉलम के लिए मैं बना देता हूँ रेड कलर, और यहाँ पे स्टेयर, स्टेयर के लिए मैं कोई भी एक कलर चूज कर लेता हूँ। मान लो मैं स्टेयर के लिए ये कलर चूज करता हूँ या ये वाला, और कॉलम स्टेयर और हैचिंग, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हैच के लिए मैं कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। और हैच मेरे को थोड़ी लाइट चाहिए, तो मैं ट्रांसपेरेंसी की इंक्रीज कर लेता हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं लगाऊंगा। अभी मेरी कौन सी वॉल लेयर सिलेक्ट है? वॉल, वॉल को सिलेक्ट करके आप यहाँ से ओके कर सकते हैं, वॉल लेयर आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट करो, वो जीरो में था अभी, तो इसको एज ए वॉल आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अब ये बाई लेयर आपका वॉल लेयर में है। ठीक है, चलो वॉल बना रहे हो तो अभी वॉल लेयर ही मैं सिलेक्ट रहने देता हूँ यहाँ पे। अब हम अपना रूम बनाते हैं। अब मैं ये वाला रूम बनाता हूँ, इस वाले रूम का क्या डायमेंशन है? 10 फीट 9 इंचीज बाई 10 फीट, ये 10 फीट का यहाँ पे डिस्टेंस है, तो मैंने ऑफसेट लिया 10 फीट, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड किया, ये एक्स डबल एंटर से ऑफसेट लिया 9 इंचेस का यहाँ तक। उसके बाद जो डायमेंशन है वो कितनी है, ये है 9 फिट, देखो यहाँ पे गिवन है 9 फिट, तो ऑफसेट 9 फिट ये मैंने लिया, और फिर ऑफसेट 9 इंच ये मैंने लिया यहाँ पे, ई एक्स डबल एंटर, ये मैंने इससे एक्सटेंड किया, ये मैंने इससे एक्सटेंड किया, क्लियर है? उसके बाद मैं इसको इससे भी एक्सटेंड कर देता हूँ, इससे भी, इससे भी, इससे भी, कुछ ऐसे, क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं डोर की। देखो इसमें यहाँ पे एक डोर गिवन है D1, D1 का साइज कितना है? 3 फीट, यहाँ पे एक डोर है और यहाँ पे ओपनिंग है इस बिल्कुल सेंटर में, इसका साइज है 5 फीट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डोर बनाने के लिए, ई एक्स डबल एंटर, ये एक्सटेंड किया यहाँ से, इसका ऑफसेट लेता हूँ मैं, कितना मेरे को 3 फीट का डोर चाहिए, 3 फीट का ऑफसेट ले, टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, यहाँ पे डोर के लिए स्पेस आ गया। और यहाँ पे मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से, और इसका सेंटर पॉइंट से एक लाइन लगा देता हूँ, टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम किया, और इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 2 फीट 6 इंचेस का, इधर 2 फीट 6 इंचेस, इधर बीच वाले को डिलीट, और टी आर डबल एंटर, इसको ट्रिम, तो यहाँ से ये भी ट्रिम किया, और यहाँ से ये भी ट्रिम किया, और इसको क्लिक किया, डिलीट किया, कुछ इस तरीके से, क्लियर है? तो आपका इतना पोर्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया, देखो इतना पोर्शन। अब यहाँ पे एक पोर्च गिवन है जिसका 11 फीट 6 इंचेस ये है, जो इस वॉल से रिलेटेड है, तो हमें 10 फीट यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से,
ऑफसेट लेता हूं 10 फिट इसका, टी आर डबल एंटर, ये नहीं चाहिए आपको, ये भी नहीं चाहिए यहाँ पे, और ये भी नहीं चाहिए यहाँ पे, इनको आप डिलीट कर सकते हैं, ये भी नहीं चाहिए, इनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपका यहाँ पे पोर्च बन गया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा चलते हैं, अब हम ये वाला रूम बनाने की ट्राई करेंगे। इस वाले रूम में कितनी डायमेंशन है? 10 फीट है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 10 फीट है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इन दोनों रूम को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे D1 है, D1 है, D1 है, 3 डोर हम लगाएंगे 3 3 फीट वाले। चलो तो मैं ऑफसेट लेता हूँ 10 फिट इसका, टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, फिर ऑफसेट लिया 10 फिट यहाँ से, फिर ऑफसेट लिया 9 इंच ये वाला, 9 इंच ये वाला, यहाँ से मुझे चाहिए 3 फिट का एक डोर, तो मैंने एल एंटर किया, यहाँ पे 3 फिट का एक डोर लगाना है, टी आर डबल एंटर, तो ये यहाँ पे मैंने स्पेस बनाया। सेम मैं यहाँ पे करता हूँ, जो यहाँ पे डोर लगा हुआ है वो भी बिल्कुल यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हम स्पेस बनाएंगे, एल एंटर, यहाँ से मैं 3 फिट पे यहाँ पे जाता हूँ, मेरे को सिर्फ एक स्पेस बनाना है डोर के लिए, ताकि मैं बाद में उस डोर को यहाँ पे फिक्स कर पाऊँ। ट्रिम किया, ये मैंने ट्रिम किया, यहाँ पे मैंने ई एक्स डबल एंटर एक्सटेंड किया इसे, एल एंटर, 3 फिट का मैं यहाँ पे टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, और इसको सिलेक्ट करके डिलीट किया, और यहाँ से टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम किया, ये डोर देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ इस तरीके से बना दिया। क्लियर है? उसके बाद नीचे चलते हैं, अब ये वाला बनाते हैं डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम जो गिवन है 11 फिट, ये हो गया 9 फिट इसकी लेंथ है यहाँ पे, यहाँ तक, तो मैं इसको करता हूँ ऑफसेट 9 फिट, ई एक्स डबल एंटर एक्सटेंड, ऑफसेट 9 इंच, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया, फिलिट कर दिया इसको इससे, इसको इससे, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद टी आर डबल एंटर, ये मैंने यहाँ से ट्रिम किया, क्लियर, ये मैंने बन गया। उसके बाद जो यहाँ पे इसका डोर गिवन है बिल्कुल सेंटर में है, जो ओपनिंग है वो 5 फिट की है, तो ओपनिंग के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को इसका सेंटर पॉइंट चाहिए, तो मैंने एल एंटर करके एक लाइन ऐसे लगाई, एल एंटर करके इस वाली लाइन को यहाँ से मिलाया, मेरे पास अब एक ही सिंगल लाइन आ गई, तो इसका मैं सेंटर पॉइंट ले सकता हूँ। सिर्फ एक सेंटर पॉइंट लेने के लिए मैंने ये लाइन लगाई थी। इसका ऑफसेट लूंगा 2 फिट 6 इंच का, यहाँ पे 2 फिट 6 इंच यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, इस लाइन को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ, और टी आर डबल एंटर ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाए। क्लियर है? अब ये वाला नहीं चाहिए, ये मैंने हटाया, इसका ऑफसेट मैंने लिया 9 इंच का कुछ ऐसे, और इसको मैंने फिलेट कर दिया इसके साथ, इसको फिलेट कर दिया इसके साथ, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक डोर लगा है उस जिसका साइज है D2, और D2 का साइज है 4 फिट, तो मैं यहाँ पे L एंटर किया, एक लाइन लगाई, ऑफसेट 2 फिट का ऑफसेट मैं देता हूँ इधर, 2 फिट का इधर, ये सिलेक्ट, डिलीट, टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये लो आपका ये वाला डोर भी बन गया। उसके बाद सिट आउट है 5 फिट का इधर, 5 फिट का इधर, कोई बात नहीं वो बना लेते हैं, तो ऑफसेट लिया 5 फिट, सारा काम आपका ऑफसेट का है, ट्रिम का है, एक्सटेंड का है, लाइन का है, फिलेट का है, ये 5 7 कमांड ही आपकी यूज होती हैं, जिससे आप पूरा एक प्लान आप क्रिएट कर सकते हो। ये बिल्कुल इजी वे में आपका एक प्लान रेडी हो गया। यहाँ पे गिवन है 10 फिट की स्टेयर है, 10 फिट, और हाइट है इसकी 10 इंचेस की, तो मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट लिया 10 फिट का यहां से यहां तक, टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम किया, ऑफसेट लिया 10 इंचेस का यहाँ पे, एक और टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम कर दिया। सेम यहाँ पे जो आपका गिवन है स्टेयर, यहाँ पे स्टेयर गिवन है 1 फिट की है, और 2 स्टेयर यहाँ पे गिवन है 1 1 फिट की डिस्टेंस के, और अगर मैं इसकी लेंथ आपको दिखाऊं,
यहाँ से मैं डायमेंशन टेक्स्ट ले ले लेता हूँ। डायमेंशन लेनी थी तो ये देखो 4 फीट 6 इंचज आपका यहाँ पे गिवन है। तो कोई बात नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे 4 फीट 6 इंचज पे, और यहाँ पे ले लेता हूँ 1 फिट पे, या फिर इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 1 फिट पे यहाँ पे, 1 फिट पे यहाँ पे। क्लियर? एल एंटर, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ स्टेयर वॉल के अंदर, लेयर के अंदर। ये मेरी स्टेयर है और ये भी मेरी स्टेयर है, इसको भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टेयर पे। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे को स्टेयर बनानी है इस रूम में। अब यहाँ पे इस रूम में जो स्टेयर गिवन है, यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन अगर आपको दिखाऊं, 3 फीट है ये वाला, और जो इसका राइजर हाइट है वो 11 इंचीज है। 3 फीट और 11 इंचीज, और कितने नंबर ऑफ स्टेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने हैं वो आपको बनाना है। तो सिंपल आप एक काम करें, आप एक ऑफसेट लें 3 फिट का, यहाँ से 3 फिट का ऑफसेट यहाँ से, उसके बाद फिल इट किया आपने ऐसे, ऑफसेट लें 11 इंचीज, और इसको मल्टीपल करके, मल्टीपल आप ऑफसेट ले सकते हैं, सेम ऑफसेट आप यहाँ पे ले सकते हैं, वो आपको बताएगा। जितने आपको स्टेयर चाहिए वो ऑफसेट ले सकते हैं, इसको इससे फिल इट कर दें, और टी आर डबल एंटर, ई एक्स डबल एंटर, फिल इट, हम इसको इससे फिल इट करेंगे, ये आपकी यहाँ पे स्टेयर बन जाती है। अब यहाँ पे स्टेयर में आपने देखा यहाँ पे डॉटेड में है, ये मेरे को यहाँ पे इतनी डॉटेड में बनानी है, ये यहाँ पे साइन बनाना है, एक अप एरो यहाँ पे बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक लाइन लूंगा और तो ऑफ करूंगा, यहाँ से मैं एक लाइन लगाने की ट्राई करूंगा यहाँ पे, फिर एक लाइन लूंगा यहाँ से, मैं कुछ इस टाइप का एक डिजाइन क्रिएट करूंगा। टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये, और इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। क्लियर है? और उसके बाद इतने पोर्शन को मुझे करना है डॉटेड, तो मैं टी आर डबल एंटर, ये मैं ट्रिम कर दूंगा, ये एक्स डबल एंटर, ये एक्सटेंड कर दूंगा ताकि ये पोर्शन अलग हो जाए। अब मैं इतने पोर्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे को डॉटेड चाहिए, ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे स्टेयर पे, ये मेरा स्टेयर वाला पोर्शन है, ये सारे स्टेयर है, इसको पहले मैं कंप्लीट को स्टेयर कर देता हूँ, ठीक है। इतना पोर्शन मेरे को डॉटेड चाहिए, तो इतने पोर्शन को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं डॉटेड यूज कर देता हूँ। स्केल काफी ज्यादा है तो आप अदर पे जाएं और इसके स्केल को यहाँ से कम कर सकते हैं ग्लोबली, तो आप कर दें इसको 0.2। ओके, देखो आपका यहाँ से डॉटेड आ जाएगा, इसको इससे मैच करना है तो एम ए एंटर, इसको इससे आप मैच कर सकते हैं, तो कुछ इस टाइप की स्टेयर आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से दोबारा से मैंने स्टेयर चूज किया, एल एंटर, यहाँ से मैंने एक लाइन यहाँ पे लगाई, तो जो को यहाँ पे गिवन है ये वाली स्टेयर है, ठीक है, एल एंटर किया, यहाँ से मैंने एक लाइन कुछ ऐसे लगाई और यहाँ से एक लाइन ऐसे लगाई, ये मैंने इसलिए लगाई ताकि इसके सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिल जाए कुछ इस तरीके से, और इनको फिर मैं डिलीट कर दूंगा और एम ए एंटर, इसको मैं इससे मैच कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप स्टेयर बना सकते हो, रेलिंग लगा सकते हो, आपके ऊपर है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कैसे आप एक बना सकते हो प्लान को। एरो बनानी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें कोई भी, आप यहाँ से प्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे एक एरो इस तरीके से बना सकते हैं, एम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आप यहाँ से मिरर कर सकते हैं, एल एंटर कर सकते हैं, टी आर डबल एंटर, ट्रिम कर सकते हैं, और इसके बीच में आप हैच कर सकते हैं, ये क्लिक करेंगे सॉलिड हैच, ओके, ये आपका हैच हो जाएगा, यहाँ से आपका अप वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये था आपका किस तरीके से आप यहाँ से स्टेयर बना सकते हैं। तो स्टेयर बन गई, आपके प्लान बन गया यहाँ पे, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हम डोर लगाना है, तो मैं डोर वाली लेयर को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। अब मेरे को डोर लगाना है, और डोर लगाने से पहले मेरे को इस तरीके का डोर बनाना भी है,
लास्ट वीडियो में जो मैंने प्लान बताया था आपको, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डोर कैसे बनाना है। तो मैं एक डोर बनाता हूँ जो मेरा एक 2.5 फिट का है, 2 फिट 6 इंचेस। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले फ्रेम बनाता हूँ, मैं फ्रेम के साथ डोर बनाना चाहता हूँ। नॉर्मल डोर अगर आपको लगाना है तो वो आप कैसे लगा सकते हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ। ई एक्स डबल एंटर किया मैंने यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आया। सी एंटर करके आप एक सर्कल बना दें यहाँ पे कुछ ऐसे, टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये नॉर्मल लगाना है, ऐसे बन जाएगा। इसके अंदर आपको और डिजाइनिंग करनी है, इसको क्लिक करें, एल एंटर, 1 इंच का यहाँ से गैप दें, अंडू, और ऑन करें, 1 इंच का गैप दें और ये ऐसे करें, फिलेट, इसको इससे फिलेट करें, और टी आर डबल एंटर। ये ऐसे भी आप बना सकते हो अपने डोर को, ठीक है। 1 इंच का आप फ्रेम का साइज भी दिखा सकते हो, आप अपने डोर को कुछ ऐसे भी बना सकते हो। इस वाले डोर को आप मूव भी कर सकते हो, और इस वाले डोर को यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो, कुछ ऐसे भी बना सकते हो। और अगर आपको बनाना है विद फ्रेम, तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम फ्रेम बनाएंगे। मैंने एक फ्रेम बनाया, यहाँ से मैंने लिया 2 इंचेस, नीचे मैंने लिया यहाँ पे 1 इंच, 2 इंचेस, फिर यहाँ पे 1 इंच, फिर यहाँ पे 2 इंचेस, यहाँ पे 3 इंचेस, और मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया। तो जो मैंने यहाँ पे बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 2 इंचेस, ये है 2 इंचेस, ये है 1 इंचेस, ये है 2 इंचेस, ये है 3 इंचेस, और ये है आपका 4 इंचेस। ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, क्लियर है। अब ये मैं फ्रेम बना रहा हूँ, जो आपकी चौखट होती है, जो आपकी डोर की चौखट होती है, मैं वो बना रहा हूँ यहाँ पे। इसके बीच में फ्रेम आएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एल एंटर, यहाँ पे मैंने 1 इंच का जो मैं लेना चाहता हूँ, मैं ले रहा हूँ 1 इंच की डोर की थिकनेस। अब 1 इंच के बाद अब टोटल मेरे को लेंथ चाहिए 3 फिट, 2.5 फिट। 2.5 फिट का मतलब कितना होता है, 2 फिट 6 इंचेस, मतलब आपका कितना होता है, 2 फिट में कितने इंचेस होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे कुछ लिखूं, इसका मैं कलर व्हाइट कर देता हूँ, साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1 फिट इज इक्वल टू होता है 12 इंचेस के, क्लियर है। 2 फिट यहाँ पे मैंने क्लिक किया, 2 फिट इज इक्वल टू होता है 24 इंचेस के, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को चाहिए 2 फिट 6 इंचेस। ये कितने इंचेस के इक्वल हुआ, 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30 इंचेस के। तो टोटल मेरे को चाहिए 30 इंचेस। अब 30 इंचेस में से 2 इंचेस ये माइनस करो, और 2 इंचेस इधर आएगा वो माइनस करो, तो आपका जो आपका 30 इंचेस है, 30 इंचेस में से माइनस हो जाएगा 4 इंचेस, तो इज इक्वल टू आपका बचेगा यहाँ पे जो डोर का साइज बचेगा वो है 26 इंचेस, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 26 इंचेस, यहाँ पे क्लिक किया ऊपर, 26 इंचेस मैंने यहाँ पे लिया, और उसके बाद फिर इधर आता हूँ 1 इंच, और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, क्लियर है। एल एंटर, एक यहाँ से लाइन लगाता हूँ मैं 26 इंचेस की। उसके बाद मैं इतने पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, और मैं मिरर कर देता हूँ, एम आई एंटर, इसको एज ए सेंटर लेके यहाँ पे मिरर। तो ये फ्रेम यहाँ पे बन गया। अब एक सी एंटर करो, सर्कल लो, और यहाँ पे क्लिक करके एक सर्कल बना दो यहाँ पे, क्लियर है। टी आर डबल एंटर, यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, ये ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला पोर्शन, और इसको सिलेक्ट करके डिलीट, और इसको सिलेक्ट करके टी आर डबल एंटर, ये मैंने ट्रिम कर दिया। ये देखो आपका एक डोर बन गया, जो आपके डोर का साइज है, डी एल आई एंटर, यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं डोर के साइज मेजर करूंगा, 2 फिट 6 इंचेस का आपका ये डोर बन गया। अब इसको आप ब्लॉक बनाएंगे, इसको आप एज ए ब्लॉक बनाएंगे। तो ब्लॉक के लिए आप करेंगे बी एंटर, यहाँ पे आप लिखोगे ये क्या है, मैं ब्लॉक बना के ही वर्क करूंगा यहाँ पे। तो ये मेरा है
डी, जो आपका अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये है मेरा डी, एक डी वन डी टू, तीन ब्लॉक मेरे को बनाने हैं डोर के लिए। तो मैंने किया बी एंटर, और यहाँ पे मैंने लिखा डी, पिक पॉइंट, मैंने ये वाला पॉइंट पिक किया, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ब्लॉक के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, फॉर ब्लॉक मैंने ओके किया, और इसको मैंने यहाँ पे लेयर दे दिया डोर का, ये मेरे डोर का लेयर है, क्लियर है। उसके बाद है, ये तो हो गया एक सेट मेरा 2 फीट 6 इंच का। एक चाहिए मुझे, एक डोर चाहिए मुझे 2 फीट 3 फीट का। अब मेरे को इसको 3 फीट का बनाना है, तो मैं दोबारा से क्रिएट करने की बजाय मैं इसी को ही 3 फीट का बना लूंगा। इसी को 3 फीट का बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एल एंटर करूंगा, मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, सी ओ एंटर, ये मेरे को एक कॉपी ली मैंने यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, एल एंटर किया, यहां से मैंने एक लाइन लगाई 3 फीट की। तो मेरे को इतना बड़ा डोर चाहिए, ये वाला पोर्शन मेरे को यहां तक चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको स्ट्रेच, नहीं स्केल। तो मैंने किया एस सी एंटर फॉर स्केल, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट, इस पॉइंट को जिसको मेरे को फिक्स रखना है, मैं कहा ये वाला फिक्स रहे। उसके बाद अब मेरे को नहीं पता मेरे को कितना रखना चाहिए, अगर आप ऐसे मैनुअली कर रहे हो तो बेसिकली मैं यूज करूंगा यहाँ से रेफरेंस, रेफरेंस पे क्लिक करो, ये पूछते हैं स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, किस लेंथ को आपको चेंज करना है। मैंने कहा कि यहाँ से लेके इतनी लेंथ को मेरे को चेंज करना है। अब ये पूछेगा न्यू लेंथ, न्यू लेंथ कितनी चाहिए, मेरे को ये वाला पॉइंट यहाँ पे चाहिए। तो ये आपका इजिली बन जाएगा अगर आप इसे चेक करते हैं डी एल आई एंटर करके। अगर आप यहाँ से डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, और आप यहाँ से सिंबल एंड एरो साइज चेंज कर सकते हैं। मैंने ये 4 किया, और यहाँ पे एरो मैंने 4 किया, या फिर 6 किया, और यहाँ से कर दिया फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन, ओके, सेट करेंट एंड क्लोज। ये आपको देखो 3 फिट का डोर है, ठीक है। एक चाहिए मुझे 4 फिट का, बट 4 फिट में यहाँ पे मेरे को डबल डोर लगे हुए हैं, ये वाले मेरे डबल डोर है। तो मेरे को एक 2 का चाहिए, जिसको मैं बाद में इसको क्या नाम है डबल लगा पाऊं। तो अब मैंने इसको यहां से कॉपी किया, सी ओ एंटर, ये मैंने कॉपी किया, ये मेरा 3 फिट का है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ये मेरा 2 फिट 6 इंचेस का है, ये मेरे को चाहिए डबल में। तो मैंने इसको एक्सप्लोड करूंगा पहले, तो एक्स एंटर, एक्सप्लोड, इस वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैंने यहाँ पे डिलीट किया। अब मैं एम आई एंटर करूंगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इसको मैं मिरर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मिरर करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसे अगर मैं इसकी डायमेंशन देखता हूँ, अब ये मेरी डायमेंशन है 5 फिट 7 बाई इतने। देखो ये डिफरेंस है कि आपने यू एन एंटर करके आर्किटेक्चर चूज किया है, तो ये आपको फ्रैक्शनल में दिखा रहा है, क्लियर है। तो अगर आपकी इंजीनियरिंग होता तो आपको वो पॉइंट्स में दिखाता कि कितने इंचेस का आपका ये वाला गैप है, तो ताकि आपको इजीली पता चलता। ये मेरे को चाहिए 4 फिट, तो मैंने एल एंटर किया, एक लाइन लगा दी मैंने 4 फिट की, कि मेरे को साइज इतना चाहिए इसका, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा फिर से स्केल। तो स्केल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस चीज को पहले मैं इसको सिलेक्ट करके इसको डिसलेक्ट कर लेता हूं, एस सी एंटर, स्केल किया, बेस पॉइंट मैंने ये रखा, रेफरेंस मैंने लिया, रेफरेंस लाइन है लेंथ है यहां से लेके यहां तक, और न्यू लेंथ चाहिए मुझे यहां तक। अब ये मेरा हो गया 4 फिट का। अगर मैं इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ डी एल आई एंटर करके, तो ये 4 फिट है। इसका भी मैं ब्लॉक बना देता हूँ, ये है मेरा डी टू, पिक पॉइंट, कोई भी पॉइंट में पिक कर सकता हूँ, और यहां से मैं करूंगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, एंटर, और ओके, ये मेरा ब्लॉक बन गया। और इसको भी मैं डोर के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ, मेरे तीनों डोर यहाँ पे रेडी हैं। अब डोर को मेरे को इस एंगल से भी लगा सकता हूँ, किसी भी एंगल से मेरे को डोर को लगाना पड़ सकता है। तो मैं इस वाले डोर को सिलेक्ट करता हूँ पहले, इस वाले डोर को सिलेक्ट करके मैं इसको मिरर कर देता हूँ ऐसे, ये सिलेक्ट किया, इधर की साइड मिरर, कंप्लीट को सिलेक्ट करो, पहले को कर लो कॉपी, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे कॉपी करो, और इसको कर दो फिर रोटेट, सिलेक्ट किया, आर ओ एंटर, और ये कर दिया आपने रोटेट, मूव किया, और इसको आप मूव करके रख दो यहाँ पे,
अब आपके सभी एंगल पे आपके डोर आ चुके हैं, किसी भी एंगल पे आपको लगाना है, आपको सिंपल पिक करना है और वहां पे प्लेस कर देना है। अब ये है, ये मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, ये हो गया एक डोर। अब ये दूसरे वाला डोर, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे मिरर, कि मेरे को यहाँ पे ऑर्थो ऑन किया, फिर सिलेक्ट करता हूँ, फिर मिरर, फिर सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसे यहाँ पे, और फिर कर देता हूँ रोटेट। सिलेक्ट किया, ये मैंने रोटेट किया यहाँ पे, फिर सिलेक्ट किया, अब मैं इनको मूव कर देता हूँ यहाँ पे, और ये तो एक ही रखाना है और एक ही में लगा सकता हूँ। अब मेरे पास डोर आ चुके हैं, अब जहां जहां पे लगाना है सिंपल से, मेरे को क्या करना है, एक डोर मेरे को यहाँ पे लगाना, आपने देखा यहाँ पे इस ये वाला डोर फिट आएगा, ये वाला, तो इसको आप यहाँ से कॉपी करें या फिर आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, जो आपने डोर बनाया है D D1, आप इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप उसे प्लेस भी कर सकते हैं, क्लियर है, या फिर आई एंटर करके भी आपने जो भी ब्लॉक्स बनाए हैं आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट ब्लॉक मैंने क्या यूज किया है, और जो यहाँ पे करंट ड्रॉइंग के ब्लॉक जो मैंने बनाए हैं वो भी आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। अब इसे क्लोज करता हूँ, मैंने ये बनाया, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से पिक करता हूँ, यहाँ से पिक करके मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, क्लियर है। एक डोर मेरे को यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मेरे को डोर जो लगाना है वो ये वाला लगेगा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले पॉइंट से पिक करता हूँ, इस वाले पॉइंट से नहीं, मेरे को जो ये पिक करना है वो इस वाले पॉइंट से पिक करना है, और इस वाले पॉइंट से पिक करके मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा, क्लियर है। दो डोर लग गए, अब ये वाले डोर मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं ये डायनेमिक इनपुटेनमेंट के लिए ऑफ कर देता हूँ, इसको पिक करूंगा, यहाँ पे प्लेस किया, फिर इसको पिक किया, यहाँ पे प्लेस किया, एक मेरे को प्लेस यहाँ पे करना है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, इसके लिए मेरे को दूसरे वाला लेना होगा, ये वाला, तो मैंने इसको अंडू किया, कॉपी, यहाँ से मैंने इसको पिक किया, पिक करने के बाद मैं इसको, अब देखो यहाँ से प्लेस करना है तो मैं इसको यहाँ से पिक करता हूँ और यहाँ से ऐसे प्लेस करता हूँ, डिलीट, क्लियर है। यही डोर मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को ये वाला डोर चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कॉपी, यहाँ से मैंने पिक किया और यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ, ये वाला मेरे को प्लेस करना है तो यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से पिक करके और यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ, क्लियर है। ये ओपनिंग मेरे पे एज इट इज रखनी है, तो ये मेरे यहाँ पे लग गए हैं डोर। अब आगे बात आती है विंडोज की, तो मैं यहाँ से विंडोज को ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरी चार विंडो लगी है, 4 फिट की मेरी विंडो है, विंडो का साइज यहाँ पे गिवन है 4 फिट, तो 4 विंडो लगानी है। सबसे पहले मैं एक विंडो बना लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, तो विंडो बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से विंडो लेयर ही मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, एल एंटर, 4 फिट का ये डिस्टेंस चाहिए और वॉल की थिकनेस कितनी है, 9 इंचेस, ये मेरे को चाहिए 4 फिट, और ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बनाया, एक लाइन लो, सेंटर से मैंने एक लाइन लगाई, ऑफसेट लो 1 इंच का इधर, 1 इंच का इधर, ये मैंने बनाया फ्रेम के लिए, डिलीट। अब ये मेरी विंडो बन के रेडी है, इसको मैं यहाँ से ब्लॉक बनाऊंगा, बी एंटर, यहाँ पे मैंने किया डब्लू, पिक पॉइंट कोई भी पिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर, एंड कर दो, ओके, अभी आपका यहाँ पे ब्लॉक बन चुका है। अब प्लेस करना है, एक आपको प्लेस करना है इसके सेंटर में, एक इसके सेंटर में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो सेंटर में प्लेस करने के लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, सेंटर पॉइंट चाहिए, तो मैं इस वाली लाइन का ये सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, और इस सेंटर पॉइंट लेने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ से पिक किया, ऑर्थो को ऑफ किया, एक मेरे को यहाँ पे प्लेस करना है, इसको मैंने डिलीट किया, पहले मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, इस वाली वॉल का मेरे को सेंटर पॉइंट चाहिए, तो वे कोई भी हो सकता है सेंटर पॉइंट लेने का, मैंने क्या किया यहाँ पे क्लिक किया, इसका ये सेंटर पॉइंट, मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, तो मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ से पिक किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ये मेरे को बेसिकली सेंटर पॉइंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया यहाँ पे और इसको कर दिया रोटेट,
इस तरीके से इस लाइन का सेंटर पॉइंट चाहिए तो मैंने यहाँ पे ये लिया, इसका सेंटर यहाँ पे लिया, ये वाला पॉइंट चाहिए तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये मेरे को नहीं चाहिए, डिलीट। सेम इसका सेंटर पॉइंट, इसका इजी है तो इसको सिलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से पिक करें और यहाँ पे प्लेस कर दें, इसको फिर आप डिलीट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप यहाँ पे विंडो बना सकते हो। तो ये आपकी विंडो कंप्लीट है, विंडो बन चुकी है आपकी। विंडो बनाने के बाद हम करते हैं अब वॉल्स के अंदर हैचिंग। वॉल्स के अंदर हैचिंग के लिए मैं क्या करूँगा, एच एंटर और इन वॉल्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने सिलेक्ट की, ये वॉल में हैचिंग चाहिए, इस वाली वॉल में चाहिए, यहाँ पे वॉल चाहिए हैचिंग, उसके बाद इस वाली वॉल में हैचिंग, अंडू किया, यहाँ पे हैचिंग, यहाँ पे हैचिंग, और हैचिंग मैंने ये वाली चूज की, ये रही हैचिंग, ठीक है, एंड ओके। हैचिंग को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा होम पे जाओ और इसको सिलेक्ट कर दो एज ए हैच। क्लियर है? अब देखो हैच आपको ज्यादा नहीं देखनी, लाइट रखनी है, तो हैचिंग को आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हो और ज्यादा, कि 60% ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो हैचिंग आपकी 60% ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। बट मेक श्योर कि टॉगल बटन में जो शोर हाई ट्रांसपेरेंसी है वो ऑन होना चाहिए, तभी ट्रांसपेरेंट नजर आएगी, वरना आपको बिल्कुल सही से चमकती हुई नजर आएगी। क्लियर है? ये आपका हैचिंग भी हो चुकी है अब यहाँ पे। अब नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर कॉलम लगाने हैं, ठीक है। तो कॉलम लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉलम वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ, 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम है, तो REC एंटर करके भी मैं बना सकता हूँ एक रेक्टेंगल। यहाँ से मैंने ये बनाया, उसके बाद आप यहाँ पे डायमेंशन डाल सकते हो 9 इंच बाई 9 इंच, और एक आपका 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम बन जाएगा। तो मैं यहाँ से इसे मूव करता हूँ, इस वाले पॉइंट से पिक करता हूँ और यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो ये वाला व्हाइट वाला पोर्शन ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा, ताकि मेरे को यहाँ पे कॉलम नजर आए। ये देखो अभी कुछ इस तरीके से मेरे को यहाँ पे ये नजर आ रहा है। चलो खैर कोई नहीं, इसको मैं हैचिंग कर दूंगा, एच एंटर किया, हैचिंग, सॉलिड हैचिंग, ये मैंने वाइट रेड कलर इसके अंदर फिल कर दिया, आपके कुछ इस तरीके की हैचिंग आ जाएगी। इसको सेलेक्ट करो, CO एंटर कॉपी किया, एक मेरे को चाहिए यहाँ पे, एक मेरे को चाहिए यहाँ पे, एक मेरे को चाहिए कॉपी, एक मेरे को चाहिए यहाँ से यहाँ पे, और एक मेरे को इसके सेंटर में चाहिए, तो मैं इसको सेंटर से पिक करूंगा और एक यहाँ पे सेंटर में लगा दूंगा कुछ ऐसे। तो ये मेरी हैचिंग इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, कॉलम्स मेरे बन जाएंगे। कॉलम भी मेरे हो चुके हैं, दो और विंडो मेरे बन चुके हैं। अब चलते हैं फर्नीचर प्लेसमेंट पे, तो मैं यहाँ पे फर्नीचर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फर्नीचर ऑन किया, अब ये फर्नीचर रखना है। फर्नीचर आपके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप से आप फर्नीचर को रखते हो। छज्जे बनाते हैं पहले, तो 6 फीट बाई 1 फीट 6 इंच के आपके छज्जे यहाँ पे बने हुए हैं। विंडो के साथ भी आप उसे एज ए ब्लॉक बना सकते थे, तो अगर अभी आपको बनाना है तो अभी आप कैसे बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, इधर जाओ, छज्जी वाली लेयर को यहाँ से चूज कर लो, एल एंटर, इधर जाओ 1 फिट पे, अंडू, 1 फिट पे आप इधर गए, 1 फिट 6 इंचेस यहाँ पे है, 6 फिट यहाँ पे है, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो कुछ ऐसे, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट, ये आपका देखो छज्जा बन गया। इसको सिलेक्ट करो और जे एंटर करके ज्वाइन कर दो, ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी करो, सिलेक्ट, बेस पॉइंट ले लो इसका सेंटर, ताकि आप डायरेक्टली इसके सेंटर में से प्लेस कर पाए। क्लियर है? आप यहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हो, उसके बाद इसे कर दो रोटेट कुछ ऐसे, उसके बाद एल एंटर, एक लाइन लेके PO एंटर, एक पॉइंट डाल सकते हो इसके सेंटर में, इसको डिलीट करो एक पॉइंट की हेल्प से, ताकि आप वो ले सको, बेस पॉइंट कॉपी किया, ये आपने बेस पॉइंट पिक किया, एक इसके यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे रख दो। मेन है आपको इजी वे में काम करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आपको फर्नीचर प्लेसमेंट करनी है, बेड रखने हैं, सोफे रखने हैं, या और भी कुछ भी आपको रखना है, इनको आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। तो उसके लिए क्या करना है, फर्नीचर वगैरह रखने के लिए, या तो आप जा सकते हो इसमें डायरेक्टली डिजाइन सेंटर में, ये मैंने डिलीट किया,
या तो आप जाओ डायरेक्टली डिजाइन सेंटर में, डिजाइन सेंटर के लिए डीसी एंटर करो, आपके पास ये डिजाइन सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे आपको होम, किचन, हाउस से रिलेटेड आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप कोई भी यहाँ से ब्लॉक देख सकते हैं कि मान लो होम से रिलेटेड चाहिए ब्लॉक्स, इसमें आपको बेड, सोफा, चेयर मिल जाएगा। आप क्वीन बेड को ले सकते हो यहाँ पे, जब मान लो आपको ये प्लेस करना है यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ से रोटेट करें और इसको यहाँ से मूव करें। फर्नीचर लेयर आप चूज कर सकते हो, क्लिक करें यहाँ पे, ले फर्नीचर लेयर और फर्नीचर लेयर को यहाँ पे चूज करें, मूव कर दें आप इसको यहाँ से और इसके सेंटर में आप प्लेस कर दें। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बेड रख सकते हैं। आपको चेयर रखनी है, आप चेयर प्लेस कर सकते हैं। आपको टेबल लैंप रखना है यहाँ पे, आप यहाँ पे टेबल लैंप रख सकते हो। इसको कॉपी कर सकते हो यहाँ से, इसकी कोई लिमिट नहीं है फर्नीचर्स की। जैसा आपको अच्छा लगे इंटीरियर का, आप वैसे ही यहाँ पे फर्नीचर कर सकते हो। ये होम से रिलेटेड फर्नीचर है, ये हाउस से रिलेटेड फर्नीचर है, ब्लॉक्स बने हुए हैं। आपको डब्ल्यूसी चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके डब्ल्यूसी को प्लेस कर सकते हो इसको। ये एज ए ब्लॉक आपके ऑलरेडी बने हुए हैं। डीसी एंटर, डीसी एंटर करने पे आप कहाँ पे मिलेंगे आपके ब्लॉक, जो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में सेव होते हैं, वो होते हैं आपके, आप जाएं यहाँ पे, आप जाएं सी ड्राइव पे, आप जाएंगे सी ड्राइव पे। जाने के बाद आप जाएं प्रोग्राम फाइल में, फिर जाएं ऑटोडेस्क में। ऑटोडेस्क में जाने के बाद आप ऑटोकैड का जो भी वर्जन यूज कर रहे हो उसमें जाएं, सैंपल में जाएं, ENUS में जाएं, और यहाँ पे डिजाइन सेंटर मिलेगा और ये सभी ब्लॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ पे हाउस के ब्लॉक यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे किचन के ब्लॉक देख सकते हैं, जो भी आपको किचन से रिलेटेड यहाँ पे सिंक वगैरह चाहिए। अब यहाँ पे किचन का मेरे को 1.5 फीट का बनाना है स्लैब, तो मैं ऑफसेट लूंगा 1 फीट 6 इंचेस का, यहाँ से 1 फीट 6 इंचेस का यहाँ पे फिलेट करूंगा इन दोनों को। एल एंटर, यहाँ पे जितना भी आपको साइज चाहिए वो आप साइज ले सकते हैं। फिलेट यहाँ पे किया, एल एंटर, एक मैंने यहाँ पे ये वाला लिया, एफ एंटर, ये मैंने यहाँ से फिलेट किया, और एम ए एंटर, इसको इससे मैच कर दिया कुछ इस तरीके से। इस पे आपको सिंक रखना है, वॉश बेसिन रखना है, तो आप यहाँ से सिंक को लेके आ सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको रोटेट कर सकते हैं, और इसको सिलेक्ट करके आप इसे मूव भी कर सकते हैं। और तो मैंने ऑफ किया यहाँ से, और ये देखो आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे छोटा है, ये कितने का लिया मैंने, DLI Enter, 1 फीट 6 इंचेस का लिया। मैं इसको 2 फीट का करता हूँ, तो ऑफसेट लिया मैंने 6 इंचेस का इधर, 6 इंचेस का इधर, इन दोनों को करता हूँ डिलीट। एफ एंटर, इन दोनों को फिलेट, इन दोनों को फिलेट। यहाँ पे मैंने इसको मूव किया इस सिंक को, और मैं यहाँ पे इजली प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी स्टोव वगैरह चाहिए, ओवन चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए, लाइट स्विचेस चाहिए, तो आप यहाँ पे इस चीज को प्लेस कर सकते हैं अपने तरीके से। कैसे भी करके आप इस चीज को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर चाहिए, रेफ्रिजरेटर आप इसको यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। इसको मूव कर सकते हैं आप जहां पे भी आपको ये मूव करना है, अपने तरीके आप इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। सोफे वगैरह रखने हैं आप रख सकते हैं। बट अगर आपको लगे कि मेरे पास ब्लॉक एनफ नहीं है, तो आप ब्लॉक गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, आप यहाँ पे लिखें कैड ब्लॉक्स डाउनलोड, तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कैड ब्लॉक्स फ्री डाउनलोड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको चेयर से रिलेटेड, गाड़ी वाड़ी से रिलेटेड, ये कुछ आपके पैसों से रिलेटेड है, फ्री नहीं है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखो फ्री DWG फाइल डाउनलोड, आप ये वाले आपके पास कलेक्शन है, बाथरूम से रिलेटेड, आपके एलिवेशन से रिलेटेड भी है, ट्रीज वगैरह, कार वगैरह, आपके डोर्स वगैरह है यहाँ पे, माइक्रोवेव वगैरह है, कोई भी आप क्लिक करें और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे व्यू पे भी अगर क्लिक करते हैं, पहले वो व्यू करेगा, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, व्यू पे क्लिक करें कि इतने सारे आपको ब्लॉक मिलेंगे आपके बेड से, और यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कैड ब्लॉक आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं ब्लॉक्स,
अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं आपके ब्लॉक्स, कुछ ये वाले हैं किचन से रिलेटेड हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैड ब्लॉक है, मान लो आपको किचन से रिलेटेड इक्विपमेंट चाहिए तो आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करें। ओपन करें तो देखो आपको किचन से रिलेटेड इतनी सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, सिंक वगैरह आपको कुछ भी चाहिए हो, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आइटम्स आपको चाहिए हो, एलिवेशन से चाहिए हो या टॉप व्यू से चाहिए हो, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखना चाहते हो बेड वगैरह से रिलेटेड, बेड को डबल क्लिक करो, अब यहाँ पे आपका इस टाइप के आपके बेड आ जाएंगे, क्लियर है, ये आपके इस टाइप के बेड आ गए। कोई भी बेड आप यूज कर सकते हो, जिस जो भी आप यूज करना चाहते हो, उसके बाद आप इनके साइजेस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मान लो मेरे को कोई भी एक बेड यहाँ पे यूज करना है, मान लो मेरे को ये बेड अच्छा लग रहा है, ये बेड आपको मेरे को अपने रूम में चाहिए, तो करना सिर्फ इतना है, इस ब्लॉक को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करो और अपने ड्रॉइंग में जाओ, और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करो, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, आपका ये आ जाएगा। बट देखो प्लान कितना, ये कितना बड़ा साइज आएगा, बहुत से लोगों को इश्यू होता है अगर ऐसे आ जाए तो अब इसको रिसाइज कैसे करें, दोबारे से आप उस चीजों को अपने अकॉर्डिंग सेट कैसे करें। तो उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ जिस साइज का मेरे को बेड चाहिए, मेरे को बेसिकली कंप्लीट बेड चाहिए, ये बेड बेड का जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो मेरे को 5 फिट का चाहिए, मेरे रूम छोटे हैं तो मैं यहाँ पे 5 फिट का लेता हूँ, 5 फिट बाय 6 फिट का। चलो एक ही साइड को आप इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो, तो बेसिकली 5 फिट का मेरे को चाहिए, ठीक है, दो तरीकों से कर सकते हो, करना आपको स्केल ही है इन लास्ट, ठीक है, मेरे को यहां से लेके यहां वाली जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ मेरे को कन्वर्ट करनी है 5 फिट में, सिर्फ इतना मेरे को काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, SC एंटर स्केल, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट में कोई भी रख सकता हूँ, मान लो मैंने बेस पॉइंट ये रखा, उसके बाद है मेरे को नहीं पता अब कितना मेरे को छोटा करना है इसे, मैं लूंगा रेफरेंस, रेफरेंस पे क्लिक करो, इसने पूछा स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, ये क्लिक करके ये मैंने क्लिक किया कि ये तो है मेरी रेफरेंस लेंथ जिसको मेरे को चेंज करना है। अब ये पूछेगा स्पेसिफाई न्यू लेंथ, अगर आपके पास कोई पॉइंट है न्यू लेंथ दे सकते हो, वरना आप यहाँ पे डाल दो 5 फिट, तो वो 5 फिट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे DLI करके देखेंगे डायमेंशन यहाँ पे, तो एक्सेक्ट आपको 5 फिट मिलेगी, क्लियर है। अब इसको आप मूव कर सकते हो कहीं से भी पिक करके, और तो ऑफ किया, और कहा है मेरा प्लान, ये वाला प्लान, और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ जहां पे भी मेरे को प्लेस करना है। अब देखो थोड़ा बड़ा आ गया, मेरे को एक साइड का डिलीट करना है तो मैं इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ, सिलेक्ट किया, एक्सप्लोड किया, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर देता हूँ कि ये वाला पोर्शन मेरे को नहीं चाहिए, दोबारा सिलेक्ट किया, दोबारा मैंने ब्लॉक बना दिया, इसे बेड कर दिया, बेड 1, पिक पॉइंट, कोई भी पिक पॉइंट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, ओके एंड ओके, और इसको सिलेक्ट करके फर्नीचर में, अब मैं इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ इजिली कि मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्लियर है। तो ऐसे बेड प्लेस कर सकते हो, ऐसे बेड प्लेस कर सकते हो, सोफा वगैरह आपको चाहिए दोबारा आप यहाँ पे जा सकते हो, सोफे पे क्लिक करें, सोफे के ब्लॉक्स आएंगे, देखो कितने सारे टाइप्स के आपके सोफे हैं, कोई भी सोफा आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, मान लो मैंने ये रखा हुआ है पिछली वाली ड्राइंग में, यही आपको रखना है ये रख सकते हो, वरना बहुत अच्छे अच्छे सोफे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, मान लो ये रखना है, कंट्रोल सी से कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट करो, पेस्ट करोगे देखो कितना बड़ा आपका आ गया, ठीक है। अब मेरे को जो यहाँ पे स्पेस है, मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास जो स्पेस है बेसिकली इतने स्पेस में मैं सोफा रख सकता हूँ, और इसकी मैं अगर डायमेंशन देखता हूँ तो 7 फिट या 6 फिट के अंदर मेरे को सोफा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली DLI SC एंटर स्केल किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट मैंने कोई भी रखा, मेरे को चाहिए रेफरेंस लिए मैंने कि मेरे को चाहिए यहां से लेके ये वाली लेंथ है ना, मेरे को 6 फिट को जाए 6 फिट, ये मेरा एक सोफा आ गया, मैंने इसको रोटेट किया ऐसे, और इसको फिर मैंने यहां से मूव कर दिया अपने प्लान में यहाँ पे। अब साइज क्या रखना है क्या नहीं रखना, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कैसे आप साइज रखना है, डाइनिंग टेबल चाहिए तो इसके लिए भी आपके पास ब्लॉक है, नेट टेबल्स वगैरह,
इतने सारे टाइप्स के ब्लॉक्स आपको मिल जाएंगे, किसी भी टाइप का आप डाइनिंग टेबल यहाँ से चूज कर सकते हैं और आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं जो भी डाइनिंग टेबल आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ से कोई भी आप उसे पिक करें और प्लेस करें। ये ब्लॉक्स हैं, या तो आप इन्हें खुद बना लें या फिर बने बनाए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। कॉपी करना है, सिंपल कंट्रोल वी के साथ यहाँ पे प्लेस करना है, साइज बड़ा आएगा। रिसाइज करना है स्केल करके, स्केल में आपको अब बहुत बार बता चुका हूँ, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। रेफरेंस लेंथ मैंने ये ली और न्यू लेंथ में ये चाहता हूँ कि 5 फिट का हो जाए। ये मेरा 5 फिट का हो गया, मैंने इसको रोटेट करना चाहता हूँ, मैंने रोटेट किया और ऑन करके उसके बाद इसको मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे को फोन नंबर आपके पास है ही, आप फोन से भी चीजों को पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ पे फर्नीचर लगा सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ प्लेस कर सकते हैं, उसको आप मिरर कर सकते हैं और तो ऑन करके, या आपने मिरर किया इसको डिलीट कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से पिक करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस चीज से रिलेटेड, ये सारा कुछ आपका बन गया। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे डायमेंशनिंग करनी है, टेक्सटिंग करनी है। डायमेंशनिंग करने के लिए सिंपल सा आपके पास है कि यहाँ पे डायमेंशन की लेयर है और आप यहाँ पे DLI करके आप कोई भी डायमेंशन यहाँ से पिक कर सकते हैं कि ये वाली डायमेंशन ये है, ये 2 फिट है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने किया कि यहाँ से यहाँ तक 5 फिट है, यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे डायमेंशनिंग कर सकते हैं कि ये कितना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से टोटल आप कर सकते हैं यहाँ से। ये आप इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो डायमेंशनिंग, आपको कोई भी करनी है। पर टेक्सटिंग अगर आपको करनी है, जैसे इसके अंदर ये टेक्सटिंग है, बेडरूम लिखा हुआ है, टॉयलेट, टॉयलेट रूम, किचन, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, ये सारी चीजें आपको अगर करनी है तो आपको करना है क्या है, आपने MT एंटर मल्टी लाइन टेक्स्ट और यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाए, यहाँ पे लिख दे टॉयलेट और यहाँ पे टॉयलेट का साइज है 5 फिट बाई एक्स, आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो और यहाँ पे कर सकते हो 6 फिट, और इसको सिलेक्ट करके आप इसको सेंटर कर सकते हो और इसको आप साइज चेंज कर सकते हो, आप इसे 5 कर सकते हो साइज एंड ओके। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रगड़ सकते हो और इसके बाद इसको मूव कर सकते हो और तो ऑन करके आपको जहाँ पे भी प्लेस करना है। क्लियर है? जब आपका साइज आपको लगे कि साइज सही है पूरा, इसको आप पहले यहाँ पे मान लो मैंने 6 किया, इसे 6 इंचेस, ये आपने साइज ले लिया, मूव किया आपने इसको यहाँ से यहाँ तक, मूव स्नैपिंग ऑफ, ये मैंने मूव किया। क्लियर? अब इसको कर दो आप कॉपी कि मेरे को एक तो यहाँ पे प्लेस करना है, देखो स्नैपिंग नहीं करना है क्योंकि मैंने स्नैपिंग ऑफ कर दी है। एक आपने यहाँ पे कॉपी किया, एक आपने यहाँ पे कॉपी किया, एक यहाँ पे कॉपी किया, जहां जहां पे आप इस चीज को बताना चाहते हैं, जहां जहां पे आपकी डायमेंशनिंग होनी है उस रूम के अंदर आप इस चीज को प्लेस कर दें। एक आपने यहाँ पे प्लेस किया, एक आपने यहाँ पे प्लेस किया, तो अब आप यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पहले कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ऐसे चेक कर सकते हैं 10 फिट, या फिर आप यहाँ पे जाएं 2020 में, ये आपको देखा होगा आपने, ये बहुत लेटेस्ट है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि 11 फिट 6 इंचेस बाय 10 फिट का आपका ये पोर्च है। तो आप इसको सिलेक्ट करें PORCH, तो आपका 11 फिट 6 इंचेस बाय 10 फिट, ये आपके यहाँ पे पोर्च हो गया। ये आपका है यहाँ पे सिट आउट, तो आपने कर दिया सिट आउट, डायमेंशन ऑलरेडी वहां पे दी हुई है तो आप इसे मूव कर सकते हैं कहीं पे भी आपको प्लेस करना है। उसके बाद आप इसे कर सकते हैं, ये कौन सा एरिया है, ड्राइंग एरिया है 10 फिट 9 इंचेस बाई 11 का, 10 फिट 9 इंचेस बाई यहाँ पे ड्राइंग रूम, 10 फिट 9 इंचेस बाय 9 फिट है मे बी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक डायमेंशन लेके आप देख सकते हैं कि हाँ ये 9 फिट है। क्लियर है? ओके,
तो ऐसे ही करके आप इनमें यहाँ से कर सकते हैं कि ये बेडरूम है आपका, अगर ऐसे आ जाए तो आप यहाँ से क्लिक करके साइज को और इंक्रीज कर सकते हैं। और बेडरूम का अगर आप साइज यहाँ पे देखोगे 10 फीट 9 इंच बाई 10 फीट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, दोबारा से डबल क्लिक करें तो आप डाल सकते हैं 10 फीट 9 इंच बाय 10 फीट, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आपका जो है वो है बेडरूम 11 फीट बाई 10 फीट, मेजर करके भी आप डाल सकते हैं बेडरूम 11 फिट बाय 10 फिट, साइज को आप बड़ा कर दें यहाँ पे और आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे किचन है, किचन का साइज आपको देखना है तो आप खुद भी मेजर करके देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और इसको आप मेजर करें, ये तो है 11 और ये कितना है, ये है 10, तो 11 फिट बाई 10 फिट आपका किचन हो गया। तो यहाँ पे आप डालें किचन 11 फिट बाई 10 फिट, इसको सेलेक्ट करें डिलीट करें, इसको सेलेक्ट करें डिलीट करें, ये आपका किचन आ गया। यहाँ पे है आपका कौन सा रूम, यहाँ पे है आपका डाइनिंग 11 फिट बाई 9 फिट का, 11 बाई 9 का डाइनिंग यहाँ पे मैंने किया 11 फिट बाई 9 फिट का डाइनिंग। और यहाँ पे है मेरा लिविंग रूम 11 फिट बाई 15 फिट 9 इंचेस का, तो 9 इंचेस मैंने दो बार लगा दिए यहाँ पे, बस 11 लिविंग रूम, लिविंग 11 फिट बाई 15 फिट 9 इंचेस, 11 फिट बाई 15 फिट 9 इंचेस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिविंग। तो ऐसे करके आप कंप्लीट ये सब चीजें यहाँ पे बना सकते हैं, हैचिंग कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें इसके अंदर आप बना सकते हैं, डोर होगी, विंडो, हैचिंग, सिटअप आपने बना ली, स्टेयर्स आपने बना ली, अगर आपको इस टाइप की टेबल बनानी है, स्पेसिफिकेशन वाली टेबल बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा टेबल पे, टीबी एंटर करूंगा। मैंने किया, मेरे को कॉलम चाहिए ओनली दो, और रो चाहिए मेरे को चार चाहिए, चार मैंने रो ली, ओके किया, मेरे पास क्लिक किया, ये मेरा आ गया। साइज मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करके आप थोड़े साइज को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लिखना है कुछ यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लिख दें स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप D1 D2 लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आप इसको सिलेक्ट करें, आप इसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करके इसके साइज को सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसको करें ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी, डी के साइज को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी है आपका 2 फिट 6 इंचेस का, इसके साइज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हो मिडल सेंटर में। क्लियर है, ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं D1 सिलेक्ट करें, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं ये वाला साइज, और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्लिक करें टॉप सेंटर, ये आपका मिडल सेंटर हो। ठीक है, यहाँ पे है आपका D2, D2 का साइज आप यहाँ से चेंज करें, यहाँ पे है आपका विंडो ओपनिंग, पहले मैं ओपनिंग लिख देता हूँ, ओपनिंग का साइज आप यहाँ से चेंज कर दें, और यहाँ पे है आपका विंडो अलाइनमेंट मैं बाद में कर दूंगा, सिलेक्ट किया ये आपने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद इसका साइज मैं रख देता हूँ 3 फिट, उसके बाद इसका साइज मैं कर देता हूँ 4 फिट, इसका साइज मैं कर देता हूँ 5 फिट, और इसका साइज मैं कर देता हूँ विंडो का 4 फिट। अब इनको आपको करना है चेंज, इन सबको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप अलाइनमेंट कर सकते हो मिडल सेंटर, तो सारे आपके मिडल सेंटर में कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। तो ऐसे करके आप यहाँ पे एक कंप्लीट प्लान को
बना सकते हो, कैसे लेयर बनानी है, कैसे फर्नीचर प्लेसमेंट, कैसे टेक्स्ट करना है, कैसे डायमेंशन चेक करनी है, डोर विंडो कैसे बनाने हैं, ऐसे करके आप कंप्लीट अपने एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे बना सकते हो। तो ये था कैसे आप एक कंप्लीट प्लान को बेस से लेके एडवांस लेवल तक बना सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको डायमेंशनिंग करनी है, D2 यहाँ पे लिखना है, D1 D2, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। W टेक्स्ट की हेल्प से आप ये सब चीजें यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था आपका कंप्लीट प्लान जो आप अपने ऑटो कैडे बना सकते हो। तो ऐसे ऐसे प्लान मैं और भी आपको बनाने सिखाऊंगा, कैसे आप कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंड लेवल तक प्लान बना सकते हो। आगे आगे आएंगे कि कैसे आप सेक्शन कट कर सकते हो, एलिवेशन कैसे बना सकते हो, ताकि स्टूडेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक प्लान इजिली बनाना सीख पाए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं ऐसी ही वीडियो आप Tell me that you love me, even if it's